लाइक दी फादर लाइक दी सन, तो मैं समझता हूँ निजामी फैमिली पे बिल्कुल सादे खाता है कि वाले साहब भी जबरदस्त काम करते थे, अब उनका बेटा भी काम कर रहा है, तो इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। हाँ, आप लोग कोशिशें हैं। आज मुख्तलिफ लोगों ने बातें की हैं और परवेज अब्बासी साहब ने NIC के हवाले से बात की, पाकिस्तान कंप्यूटर वाले ने बात की, यासर ने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं कोशिश करूंगा पहले थोड़ी सी उन हवाले से बात कर लूँ, फिर मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा। यासर, आपने बड़ी अच्छी बात की थी, आपने कहा कि IT इंडस्ट्रियल अकेडमी में गैप नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, हमें इस बात का अंदाज़ा है और हमारी कोशिशें भी हैं कि थ्रू पाशा हमने पूरी IT इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड लिया हुआ है, और आपको इस सुनकर खुशी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ IT अपनी कोई भी रिकमेंडेशन आगे नहीं देती है जब तक कि पाशा उसको इंडोर्स ना कर दे। क्यों? क्योंकि पाशा एक मंतखब नुमाइंदा है, IT इंडस्ट्री के वोटों से मंतखब होकर आता है, तो बीइंग एज ए पॉलिटिकल वर्कर जमहूरी तरह के कार्य भी ये कि जो लोग मंतखब होकर आए उनकी बात सुनी जाए और उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। तो हम तमाम चीज़ें पाशा को ऑनबोर्ड लेकर करते हैं, और साथ साथ अब पिछले एक साल से वनवरण हाथ लिया, हमने अकेडमियों को भी ऑनबोर्ड लेना शुरू कर दिया है। थ्रू पाशा मेरा हाल है कि ये अंडर ग्रेजुएट का भी प्रोग्राम चॉकआउट किया हुआ है इन्होंने इन डिफरेंट फील्ड, वो मैं आगे चल के बताऊंगा भी, और साथ साथ हमारा प्रोग्राम ये BS में भी किया गया और मास्टर के हवाले से भी किया गया। तो यस, हमने इस गैप को महसूस कर लिया है आज से 1.5-2 साल पहले, और हमने अकेडमिया को भी ऑनबोर्ड लेना शुरू कर दिया है फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान कंप्यूटर एसोसिएशन ने, आपने फरमाया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला किया जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हमारा फोकस ही यही है, लेकिन जो IT फील्ड से नौजवान बैठे हुए हैं जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जो लोग यासिर, यू आर वेरी यंग, फहद आप यंग हैं, आपको तो चीज़ों फिंगर टिप पे रहती हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं कुछ चीज़ लेकर, जब FDR में लेकर जाते हैं, उनका माइंडसेट आज भी आटा दाल और चावल पे लगा रहता है, वो उससे आगे का सोचते ही नहीं है। तो हमारे तमाम रिकमेंडेशन पे स्टार्ट करते नो के साथ, जब उनको समझाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो मामला आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यस, हम बिल्कुल अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वन विंडो ऑपरेशन के लिए हर जगह हर मौके पर काम कर रहे हैं। परवेज भाई, एवर NIC वन ऑफ द बेस्ट, मेरा ख्याल है परवेज अब्बासी और उनकी टीम अप जो है, जोड़ी हमेशा साथ चलती है, हमेशा इनके साथ, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो बेहतरीन काम किया हुआ है NIC इस्लामाबाद के अंदर, वो बैन अलावा ना सिर्फ मुल्की तौर पर बल्कि बैन अलावामी तौर पर भी लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छी बात ये है, आपने बताया मुझे कि 24% वुमेन भी हैं उसके अंदर, लेकिन परवेज भाई इसे आगे बढ़ाना है। 24% खवातीन का मेरा हाल मुनासिब नहीं, कम अज़ कम 50% से लेके जाना है, दैट शुड बी द टारगेट। मैं वुमेन एम्पावरमेंट में भी बात करूँगा अभी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जावेद इसीलिए यंग मैन है, इससे बड़ी खूबसूरत बात की जो मैंने अभी कर भी दी है कि 2017 में जब CEO के साथ फॉर्मा के लोगों के बात कर रहे थे, तो लोग जो है डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से क्या ध्यान था कि फेसबुक से आगे नहीं जा रहा, तो सेम कंडीशन मुझे FDR में भी, फाइनेंस में भी, और स्टेट बैंक में भी फेस करना पड़ता है। अब जहन चेंज कर, आज से 3-4-5 दिन पहले की बात है, कैबिनेट के अंदर सेल फोन बढ़ाने की ड्यूटी बढ़ाना है, $200 से लेकर $500 पर रखा है कि 1% बढ़ा देंगे, और $500 से ज़्यादा था उसके साथ 7% बढ़ा देंगे, उसके साथ स्लाइड चल रही कि इसका सिर्फ जो बेनिफिट होगा 0.2 बिलियन, ये तकरीबन 20 करोड़ होगा। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर
ये पॉइंट, ये जो 20 करोड़ रुपए, अगर आप इस पर टैक्स ना लगाएंगे तो हम आपको मोर देने बिलियन कमा के दे देंगे। अब मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप लग्जरी आइटम नहीं है बल्कि अभी बुनियादी जरूरत है, उसको लग्जरी आइटम से निकाले और बुनियादी जरूरत में डाले, माइंडसेट चेंज करें। बट एनीवे, आपकी चीजें हम हर जगह लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आयशा ने बड़ी अच्छी बात की, बीइंग एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम, पहले ये कॉमर्स में भी रही हैं, तो इनके फिंगर टिप पे ई कॉमर्स के हवाले से तमाम चीजें रहती हैं। हम वाइल लिविंग इन 2023, हमारी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि विजन हमारा 2050 का, मुझे अपने मुल्क, अपने नौजवान, उनके बारे में सोचना होता है कि आगे की रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलना है। यस, आप अगर पिछले 2-2.5 साल में देखेंगे, मैं अभी चंद फिगर भी आपके सामने रखूंगा आगे चलते जाए, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। हमने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाने की कोशिश की, बिल्कुल आशा ने बिल्कुल सही बात की। जाइटेक पिछले साल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मेरा ख्याल 29+ कंपनी पाकिस्तान के वहाँ मौजूद थी, जबकि इससे पहले हमेशा 8-9-7, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी। लीप सऊदी अरब में 18-19-20 कंपनियाँ मौजूद थी। पिछले साल MWC था, वहाँ पर भी पहली दफ़ा 10+ कंपनी मौजूद थी। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी ख्वाहिश हो रही है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी बढ़े, आपकी कोऑर्डिनेशन हो, आप बिजनेस हासिल करें। पाकिस्तान के चेयरमैन ने बड़ी अच्छी बात की कि जब हम लीप से आ रहे हैं तो आज आपने बताया कि गालिबन हम अब बिजनेस टू बिजनेस चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमें आगे लेकर जाना है। हमने ITU को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, MWC को भी और साथ साथ GSM को भी। तो हमारा काम है पॉलिसी देना, फैसिलिटेट करना, उसके लिए आपकी सोच को लेकर आगे बढ़ना और IT इंडस्ट्री की जो सोच होगी उसके लिए आगे लड़ाई लड़ना, और मेरी जिम्मेदारी है और मैं हफ्ते लंबन कोशिश करता हूं कि अपनी चीजों को हासिल करूं। कमिंग बैक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन है डिजिटल पाकिस्तान, एंड दैट इज माय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं प्राइम मिनिस्टर की विजन को आगे बढ़ाऊं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और अब गेमिंग एंड एनिमेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। हम जब अपने लोगों को देखते हैं, अपने नौजवानों की तरफ देखते हैं, एकेडमी को देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें उनके मेयार के मुताबिक नहीं हो पाती हैं। हमारी ख्वाहिश है इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जा सके। लेट अस स्टार्ट इस हॉल के अंदर, सबके हाथों में मोबाइल फोन मौजूद रहता है और अब थोड़ी देर बाद में देखता हूँ बच्चे बैठे हुए वो अपने मोबाइल को जरूर देखते हैं कि उनकी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी क्या चल रही है, कनेक्टिविटी है या नहीं है। यस, बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम, मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बेहतर से बेहतर किया जाए। हमारे डिपार्टमेंट है USF, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड। मैं आपको बताता हूं कि इनके पास टन्स एंड टन्स ऑफ मनी मौजूद होता है, लेकिन आप सुनकर हैरान और परेशान होंगे कि 2012-13 की बात होगी कि लगभग 62 अरब रुपए नॉन यूटिलाइजेशन पे ये इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसे 72 सरकार जब्त कर लिया इस वादे के साथ कि आपको वापस करेंगे। मैंने वजारत संभाली COVID-19 पीक पे था, 2020 अप्रैल का महीना था, मैं बाई एयर भी नहीं आ सका, बाई ट्रेन भी नहीं आ सका, बाई कार ड्राइव कर आया था, अकलौते तौर पर मैंने हल्ला उठाया था। दो चीजें हमने टारगेट की, सबसे पहले मैं कनेक्टिविटी पे बात करूं। जब मैंने अपने लोगों को बुलाया
यशत को बुलाया तो पता लगा कि साल के यानी टर्न एंड टर्न ऑफ मनी उनके बैंक अकाउंट में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कनेक्टिविटी पे वो सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोजेक्ट करते हैं साल का। मीटिंग की बैठे, उनको समझाया कि मामला किस तरह नहीं चलेंगे। जब आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कनेक्टिविटी के हवाले से 3G 4G के टावर लगाए, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज बढ़ाए, तो क्यों नहीं हो रहा। पहले मीटिंग के बाद हमने क्या तय किया कि ये 6 प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे, बल्कि आप इसे 6 से बढ़ा के 12 पे लेके जाएंगे। दूसरे साल 12 से बढ़ाकर हमने 25 किया, इस साल 28 प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो सिंस लास्ट 2.5 and 3 years 70 न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 65 बिलियन हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, यूएसए के जो पैसे हैं वो बड़े शहरों में नहीं लगते, लाइक कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, अगर देखते हैं तो एटलीस्ट कनेक्टिविटी बेहतर है। बट हमारा टारगेट क्या है कि सेकेंड टियर ऑफ द सिटी एंड द थर्ड टियर ऑफ द सिटी, लाड़काना, बदीन, दादू, बहावल नगर, राजनपुर, डेरा बुक्ति, आवरान, नसीराबाद, पाटा, इनके बच्चों को भी डिजिटल दुनिया से मंसलक करें। और इसके लिए हमने 65 बिलियन सिंस लास्ट 2.5 and 3 years वी हैड इन्वेस्टेड। आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि पहले कहाँ 6 प्रोजेक्ट था, फिर 12 हुआ, 25 पे ऐसा 28 प्रोजेक्ट काम कर रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ के बच्चे भी इंशाल्लाह ताला डिजिटल दुनिया के साथ मंसलक हो जाएंगे। और जो मेरा फ्रीलांसर है, जो रॉन्ग कंपनी है, जो बड़ी जो आईटी कंपनी है, जब इन इलाकों में भी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज होगी, इन इलाकों में भी 4G चल रहा होगा, तो आपका बिजनेस प्लस नहीं बल्कि आपका बिजनेस भी मल्टीप्लाई होगा। तो दैट द रीजन हम लेके चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके सामने एक दो फिगर रखता हूं, जाके आपको अंदाजा हो जाए कि क्या सूरत हाल है। एवरीबडी नोज दैट पाकिस्तान हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन। अच्छी बात यह है कि जब 2020 में, जैसे मैंने कहा कि वजारत समाजी, तो मेरे पास फिगर है कि पाकिस्तान में लगभग 2019 में 160 बिलियन पीपल के हाथों में मोबाइल सब्सक्राइबर थी, इन्होंने कहा था मोबाइल फोन था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिसंबर 2022 के फिगर कोट करता हूँ कि 160 मिलियन 16 करोड़ से बढ़कर अब 19 करोड़ 70 लाख लोगों के हाथों में मोबाइल फोन मौजूद है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का टारगेट क्या, विजन क्या? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का विजन है स्मार्ट फोन फॉर ऑल। आई रिपीट, विजन है स्मार्ट फोन फॉर ऑल। और सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अमल किया। मैं आपके सामने रखता हूं अगेन, क्योंकि मैं बार बार यासिर तुम्हें कोट करता हूं, फहद को कोट करता हूं, बाकी लोग यंग हैं और जो मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, शायद मेरी पॉलिटिकल पार्टी का इख्तलाफ रखते हो अलग बात है, बट हमने किया क्या। मैं आपको फिगर रखता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 2020 मैंने वजारत संभाली, कनेक्टिविटी के साथ मीटिंग की, दूसरी मीटिंग जो उस टाइम हमारे साथ हमेशा मैं आयशा मौजूद हैं, इनके सीनियर होते थे शेख सिद्दीकी साहब, हमारे सिक्योरिटी मिनिस्टर पार्टी इन टेलीकॉम थे, उनके साथ हम बैठे कि हमें मेड इन पाकिस्तान क्या करना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करना। पहली मीटिंग में हमने तय किया कि गालिबन 1989 की बात होगी, पाकिस्तान में मोबाइल फोन आया था। 2020 में जब मीटिंग कर रहा था मैं, तो मैंने पूछा कि ये तकरीबन 31 ईयर हो चुका है, पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रहा। मुझे याद है कि अगर 60 की दहाई में 70 की दहाई में पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे होते, तो आज 2022-23 में हम BMW और ऑडी बना रहे होते, लेकिन उस वक्त के नालायकी के बिना पर आज हम क्या बनाते हैं, एल्टो बनाते हैं। शर्म आती है। वी हैव डिसाइडेड, वी सेट टुगेदर, वी चॉक आउट द प्लान। हमने कहा कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पॉलिसी बनाई, ECC से अप्रूव कराया, कैबिनेट में ले लिया, कैबिनेट से अप्रूव कराया, और जून 2020 के अंदर हमने पार्लियामेंट से भी अप्रूव कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान में
30+ कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। नोकिया मौजूद है, सैमसंग मौजूद है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया। जब मैंने कहा कि जो हमारे विजन है मिनिस्टर ऑफ आईटी का स्मार्टफोन फॉर ऑल, तो मुझे ये जो एप्पल का फोन है 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख वो नहीं चाहिए। मुझे अपने बच्चे जो जो लाड़खाना में, बदीन में, सुरजानी टाउन में, डेरा बुक्ती में, आवरान में, भावलपुर में, भावल नगर में, उनको स्मार्टफोन सस्ता चाहिए। एंड दैट द रीजन जो पाकिस्तान में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, उसकी कॉस्टिंग क्या है? 18,000, 20,000, 30,000, 28,000। जब भावल नगर में मेरा बच्चा स्मार्टफोन लेके ई बैंकिंग, ई एजुकेशन, ई हेल्थ कर रहा होगा, पैसे बना रहा होगा, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो जो मैंने कहा कि विजन स्मार्टफोन फॉर ऑल, तो उस पर अमल दरामद करा के भी दिखाया, ताकि हमारा मुस्तकबिल यानी वाइल लिविंग इन 2023 विजन 2020-2050 का होना चाहिए। कोशिश होगी जब सैमसंग आ गया, नोकिया आ गया, अल्लाह ने चाहा तो अगले चंद सालों में एप्पल भी मौजूद होगा पाकिस्तान में। दूसरी बात, परवेज अब्बासी साहब ने ये कह दिया था, बट जस्ट फॉर द रिपीट, कि पिछले 2002 से मेरी सिर्फ आईटी एंड टेलीकॉम बनी और 2020 तक मेरा हाल है कि सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल एग्जीबिशन सेंटर काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वजारा संभालने के बाद एक हैदराबाद में काम किया, एक फैसलाबाद में किया है, पिंडी के अंदर जो हमारा एयरपोर्ट है जो पुराना वाला, इस पर नेशनल जैसे कहते हैं हमने एयरपोर्ट तकरीबन तमाम चीज़ें मुकम्मल होती हो चुकी है, वहाँ पर भी एग्जीबिशन सेंटर बहुत जल्द कायम हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने गिलगित भी देखा है। तो पहले कहा 5 का, अब 5+4=9, 20 साल में 5 और पिछले 2.5 साल में 9। हमारी ख्वाहिश है इसी तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टअप का जिक्र किया तमाम लोगों ने, और मेरी क्या ख्वाहिश है कि स्टार्टअप के लोगों को, फ्रीलांसर को हमेशा हर जगह पर फैसिलिटेट किया जाए, उनको जैसे ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां वो पैसे को प्लस नहीं करे बल्कि मल्टीप्लाई करे। उससे फायदा मुझे नहीं होगा, मेरे मुल्क को होगा, मेरी इकोनॉमी को। और मैं आपके सामने फिगर रखता हूँ कि इन्वेस्टमेंट रेट बाई दी पाकिस्तानी स्टार्टअप 2019 और 2020 में, यानी मेरे आने से पहले लगभग 75 मिलियन का स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट रेज हुई। 2020 और 2021 में यानी कंपेरिजन देखे कि 75 मिलियन यूएस डॉलर और 2020 और 2021 में 75 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 373 मिलियन यूएस डॉलर मल्टीप्लाई बाय 500 टाइम। जस्ट उनको फैसिलिटेट किया, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, जो हमारा पीसैप का इदारा, इग्नाइट का इदारा, उनके साथ कोऑर्डिनेट कराया और ईगल आई से उनके ऊपर नजर रखा। टारगेट इस साल हमने जून में जब इस साल हमने दिसंबर में मुकम्मल किया, 373 से बढ़कर US$500 मिलियन यूएस डॉलर हो चुका। तो चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिक्र हुई, और खास के अभी रिजवान साहब मेरे हाल उठ के चले गए हैं, पहले हमारे OIC में सफीर भी होते थे सऊदी अरब में, उनके साथ भी डिस्कशन हुई कि हम आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। हमने इसके ऊपर कंसंट्रेट किया और मैं फिगर आपको दे रहा हूं, इट्स पब्लिश बाय दी एवरी ईयर। 2000 जिसे कहते हैं कि मेरे वजारा संभालने से पहले, मैं एक रफली फिगर आपको दे रहा हूं, तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट हुआ करती थी। और पिछले साल जून में हमने मुकम्मल किया है, आईटी एक्सपोर्ट 1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गई है। ये एक ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान, फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। मेरी तो ख्वाहिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, उनकी हमेशा ब्लेसिंग रहती है कि हम इसे इस साल जो हम क्लोज करें तो 4 बिलियन यूएस डॉलर तक लेकर गए। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि FDR, फाइनेंस, स्टेट बैंक हमेशा कहाँ से शुरू करता है? 9 से शुरू करता है।
पैसे देना भी होता है तो लिखते नो ऑब्जेक्शन, योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। तो वो स्टार्टेड, अब उस नो के माइल को चेंज करना जाएगा मिलियन डॉलर क्वेश्चन। होपफुली आईटी इंडस्ट्री, एकेडमिया और मिनिस्ट्री एक पेज पर होगी तो तमाम चीजें उनसे मनवाएंगे और चीजों को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आयशा चूंकि एनआईटीबी को हेड भी करती हैं और उनके पास डबल जिम्मेदारी है, उन्होंने एनआईटीबी के हवाले से भी बात की कि माशाल्लाह अच्छी बात थी कि उन्होंने, और उन्होंने बताया कि हमने तकरीबन 30 के करीब पोर्टल बना दिया खास से इस्लामाबाद सिटीजन एप्लीकेशन इज वंडरफुल। मेरा ख्याल इस्लामाबाद में बैठे लोगों को वापस पे जाने की जरूरत नहीं है बल्कि अपने फ़ोन के साथ तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हमने दो तीन चीज़ें और की हैं, स्टार्ट थ्रू एनआईटीबी, हमारे डिपार्टमेंट है वंडरफुल डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम करता है। हमने क्या किया, सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम मिनिस्ट्री को डिजिटलाइज कर दिया, 100+ डिवीजन को डिजिटलाइज किया गया। उसके बाद पिछले साल हमने क्या किया कि पाकिस्तान जो हमारी वफाकी काबीना होती थी हम इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके जाया करते थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ टैबलेट लेकर जाते हैं, उसको भी पेपरलेस कर दिया गया। अगला टारगेट पार्लियामेंट को पेपरलेस करना है इंशाल्लाह ताला, आप देखिए इसी साल इंशाल्लाह ताला हम पार्लियामेंट को भी पेपरलेस करेंगे। अच्छी और गुड न्यूज ये भी है कि सेंसस का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में सेंसस हमेशा 10 साल 12 साल और पिछले वाला सेंसस मेरा ख्याल है 1999 के बाद 2017 में हुआ था, 18 साल का वक्त। हमारी कोशिशें काबिशों के बदौलत इस साल 5 साल के वक्फे के बाद सेंसस का इनका किया जा रहा है, सेंसस डिजिटलाइज की जा रही है। इंशाल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को इस पर काउंट किया जाए। 1,26,000 के लगभग टैबलेट खरीद के पीबीएस को दिया गया है, वो अब टैबलेट के साथ आएंगे, अब वो पेन से लिखना खाते में एंट्री कराना खत्म, डैशबोर्ड पे तमाम लोगों की निगरानी हो रही होगी कि आप उस जगह पे मौजूद है या नहीं है, सेंटोरस के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है या नहीं है, आपकी निगरानी चल रही होगी, अब कोई टोपी ड्रामा नहीं होगा, डैशबोर्ड से निगरानी होगी, डिजिटलाइज होगा इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को इसमें गिना जाएगा और जिसे कहते हैं शफाफियत के साथ उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एक दो चीजें मेरा ख्याल है कि मैं वाइंड अप करने से पहले कर लूं, जिस तरह मैंने कहा कि विजन 2050 का हमने देखा कि गेमिंग और एनिमेशन बहुत तेज रफ्तारी के साथ दुनिया में तरक्की कर रही है। आज जब हम मालूम किया हमने आज से तकरीबन 6 महीने पुरानी बात है तो पता लगा कि तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है। हमने पाकिस्तान को देखने की कोशिश की, पता लगा ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट हमने इस पर कंसंट्रेट किया, अपनी टीम को बैठाई कि अब हमें गेमिंग और एनिमेशन पे भी काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में और कराची सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग और एनिमेशन, मैं एनडी यूनिवर्सिटी में आज से 4 दिन पहले साइन कर आ चुका हूँ। 101.6 बिलियन की लागत, 2.5 बिलियन की लागत से वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग और एनिमेशन शुरू किया जा रहा है, लाहौर में भी शुरू कर रहे हैं ताकि मेरे वो नौजवान गेमिंग और एनिमेशन में भी अपनी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा सके। तो फॉर द फ्यूचर आखिरी बात, आज से 1 हफ्ता पहले विकिपीडिया बंद कर दिया, क्या पाबंदी मसाइल का हल है? एब्सोल्युटली नॉट, मेरी वो वाली एब्सोल्युटली नॉट नहीं है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो हर 4 दिन बाद यू टर्न ले लेते हैं, पहले इस्तीफा देने की बात की, अब कहते हैं इस्तीफा नहीं दिया, असेंबली डिसॉल्व कर दी, फिर कहते हैं असेंबली में बैठेंगे। एक चीज सोच ले, करना क्या है, विकिपीडिया बंद किया गया फौरी तौर पर विद इन 24 आवर, मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की कि ये मसाइल का हल नहीं है, क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की पॉलिसी क्या है,
मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम की पॉलिसी है कि हम ऐसे किसी भी पाबंदी के खिलाफ है, आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ऐसे किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। बैनिंग विकिपीडिया मसाइल का हल नहीं था। 2012-13 आप सबको याद हो, पाकिस्तान ने यूट्यूब बंद कर दिया, आज जो सब हम यादें भुगत रहे, 2 साल बंद रहा। पिछले वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके मिसेज के बारे में टिकटॉक पे कुछ आ गया, उन्होंने टिकटॉक बंद कर दिया, पबजी बंद कर दिया। उस वक्त कैबिनेट में बैठ के लड़ाई लड़ी कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, टिकटॉक पर भी पाबंदी खुलवाई, पबजी पर भी पाबंदी खुलवाई, विकिपीडिया पे जब बंद हुआ हम प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट की, आई एम ग्लैड टू द प्राइम मिनिस्टर, वो हमारी बात उन्होंने फौरन सुनी, 48 घंटे के अंदर अंदर विकिपीडिया को अनलॉक कर दिया गया। उसके बाद ये कदम आगे भी बढ़े, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर ऑफ आई टी के सरकार ने कमेटी बनाई जिसके अंदर मिनिस्टर फॉर लीगल लॉ एंड जस्टिस भी थे और कॉमर्स भी थे, दोनों बड़े ब्रॉड माइंड आदमी, बड़े डायनेमिक आदमी है। हमने साथ मीटिंग की, पीटीए वालों को बोला, हमने कहा फॉर फ्यूचर इट्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज, किसी किस्म की पाबंदी किसी भी सोशल मीडिया एक्शन नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम ब्रॉड माइंड के साथ चलेंगे, एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलेंगे, किसी सोशल मीडिया ऐप पर इंशाअल्लाह ताला पाबंदी नहीं लगने देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपको ब्रॉड माइंड बनना होगा, आपको प्रोग्रेसिव तरीके से आगे के साथ चलना पड़ेगा। आई एम वेरी मच अगेन इस सिलसिले में मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे एतबार किया है, एतमाद किया है, और इंशाअल्लाह ताला सोशल मीडिया के हवाले से भी मैं समझता हूँ सोशल मीडिया रूल्स भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पास करके ऑलरेडी कैबिनेट से अप्रूव करा के नोटिफाई भी कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिफर बैक किया है। हम उसे उस पर काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि तमाम, यानी मेरे साथ प्रॉब्लम ये आती है, एक तरफ ऑर्थोडॉक्स लोग मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ हमारे जो लिबरल मॉडरेट वाले हैं वो भी होते हैं, तो आई एम इन द टाइट रोप, मैं दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक गुड न्यूज़ ये है, जहाँ हमने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पास कर दी है, राइट ऑफ वे पॉलिसी पास की है, अब हम पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को भी इंशाल्लाह ताला तकरीबन फाइनलाइज कर दिया है, आप देखेंगे वो भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मजे के बाद जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया, ये डेकेड्स एंड डेकेड्स पेंडिंग में पड़ा हुआ था, डेकेड्स एंड डेकेड्स पेंडिंग में पड़ा हुआ था। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे लाउड एंड क्लियर जो हमारी टीम बना रही है और अपने तमाम लोकल नेशनल इंटरनेशनल जो लोग हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, नेशनल लेवल पे हमारी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर थी, ह्यूमन राइट्स थी, जैस था, स्टेट बैंक थी, इन सबों को ऑनबोर्ड किया, सबों के सोच को शामिल किया जमहूरी तरीके कार के मुताबिक, अपने मिनिस्टर ऑफ आईटी की वेबसाइट पे भी डाला कि जो सजेशन देना चाहे बिल्कुल दें। हम फाइनल स्टेज पर लेकर आ गए, दो चीज़ को हमने कहा उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, नंबर वन नेशनल सिक्योरिटी, नो कॉम्प्रोमाइज, नंबर टू हमने कहा इट शुड बी बिजनेस फ्रेंडली, रिपीट इट शुड बी बिजनेस फ्रेंडली। आप देखेंगे कि जब आपके सामने ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आएगा तो ये बिजनेस फ्रेंडली होगा, हम तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे। थैंक यू मैम, वंडरफुल एफर्ट यू हैव डन, आप और आपकी टीम जबरदस्त राज्य तहसीन की मिस्टर है।